आमिर की जिंदगी में कोई असर पड़ा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से? देखिए मैं झूठ नहीं बताऊंगा आपसे, मेरी जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ा है। एक तो ये डीमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से उन लोगों को अफेक्ट करता है जो काला धन रखते हैं। मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है, मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूँ आज तक, तो मेरे पास काला धन एक रुपया भी नहीं है। सो डू यू थिंक दैट, तो मुझे कोई, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से। दूसरे हिसाब से जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं, वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है उसको खर्च करना है मुझे। जो जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूँ। तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और चेक से मैं देता हूँ, तो मुझे जाती तौर पे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। आई फील सैड, बट आई ऑल्सो फील के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि उनकी नीयत सही है, वो चाह रहे हैं कि देश को साफ सुथरा बनाए, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि कैशलेस होने से देश को फर्क पड़ेगा? देखिए मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, तो मैं फिल्में जानता हूँ, फिल्मों के बारे में पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा। इकोनॉमी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई अच्छी कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बताएंगे, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। कोई और सवाल लेते हैं। आमिर 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 आपका सीक्रेट सुपरस्टार होता तो आप उससे क्या चाहते, क्या मानते हैं? मेरा सीक्रेट सुपरस्टार मतलब कोई मेरी जिंदगी में सुपरस्टार हो, हम क्या चाहेंगे? फोटो चाहूंगा यार, एक सेल्फी ले लूंगा उसके साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।